एक आदमी जिसने अच्छे कर्म किए थे मर के स्वर्ग में पहुंचा। भगवान ने अपने दूत को भेजा कि चलो इसको स्वर्ग का जो है टूर कराओ। तो टूर करते करते उसको दफ्तर भी दिखाया दिया भगवान का। तो दफ्तर में उसने देखा, पहला कमरा जब खोला तो देखा बहुत से दूत उसमें काम कर रहे हैं, कोई चिट्ठियाँ खोल रहा है, कोई फाइलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस आदमी ने पूछा, ये कमरा कौन सा है भाई? बोले, ये कमरा वो है जहाँ धरती से लोग अपनी जो उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो भेजते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं, तो यहाँ फाइलिंग हो रही है किसका क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा कमरा खोला तो वहाँ पे बड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, कोई चिट्ठियाँ बंद कर रहा था, कोई लिफाफे बंद कर रहा था, कोई पार्सल बंद कर रहा था। भाई ये कौन सा कमरा है? भाई ये वो कमरा है जहाँ पे दुआएं कबूल की गई हैं, चीज़ें जो डिमांड्स आई हैं वो सप्लाई की जा रही है इस कमरे में। बोले, बड़ा भारी कमरा है। तीसरा कमरा खोला तो देखा कि एक दूत आराम से पैर पसार के सो रहा है। बोले, दो कमरों में इतनी ज़्यादा हलचल, ये कमरे में इतनी शांति, भला ये कौन सा कमरा है? बोले, ये वो कमरा है जहाँ पे लोग धरती से एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, थैंक यू भेजते हैं। कोई थैंक यू भेजता ही नहीं तो यहाँ कोई काम ही नहीं। हम लोग शुक्र कभी भगवान का करते नहीं दोस्तों। जब हमारी डिमांड्स भगवान पूरी करता है, जब हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हम कभी शुक्र नहीं करते, बशर्ते कि एक शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं हमेशा मंदिरों में, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन कोई इंसान थैंक यू की लिस्ट लेके नहीं जाता कि भगवान इस चीज़ के लिए थैंक यू, उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो थैंक यू बोलना सीखिए भगवान को दोस्तों, बहुत ज़रूरी है।